जाते हैं हम अपने मौजू के ऊपर तोहफा इस नशरिया के जी ठीक। क्योंकि मौजू असल उसी को थोड़ा सा इदामा देना था। तसलसल तो है इसी का हमारे यानी हर शेयर। मैंने एक थीसिस लिखा था जी बिल्कुल इस वक्त सामने पड़ा है जी। जामतुल मुस्तफा की तरफ से, किताब शनासी तौसीफी तालीफात शिया दर रद्द कुतुब अहले सुन्नत। ठीक माशाल्लाह। दर रद्द कुतुब अहले सुन्नत आज इत्तेफाक में इसको लेकर इसीलिए आया था कि अगर मौजू छिड़ गया तो ये पेश करेंगे। ये किताब है जी। किताब शनासी तौसीफी तालीफात शिया दर रद्द कुतुब अहले सुन्नत। ये कुतुब अहले सुन्नत का मतलब ये है कि ये किताब फलां किताब का जवाब है, ये किताब फलां किताब का जवाब है, ये किताब फलां किताब का जवाब है। इस थीसिस के अंदर मैंने फ़कत सफ़विया दौर हुकूमत के ऊपर गुफ्तगू की है, 13वीं सदी हिजरी की, जो सफ़विया सदर इस्लाम से नहीं है बल्कि सिर्फ सफ़विया से आगे 10वीं सदी से 13वीं सदी हिजरी तक का जो ज़माना था उसके ऊपर। इसके अंदर मैंने तकरीबन 325 किताबें वो मौरफ़ी कराई हैं कि जो आलिम उलमा शिया ने ये किताब इसके जवाब में लिखी, ये किताब इसके जवाब में लिखी, ये किताब इसके जवाब में लिखी, और फिर उस किताब को इसी मौजू को मैंने और आगे बढ़ाया था तहकीक करने के लिए। तो ले गए थे हम सदर इस्लाम से लेकर करने दो से लेकर असर हाजिर तक, वो अभी तक सिलसिला जारी है। तकरीबन 1650 तक तो फहरिस्त जा चुकी है, 1650 किताबें ये किताब शिया आलिम ने इस किताब के जवाब में लिखी, ये किताब शिया आलिम जो मैंने कहा था अजरिया के अंदर 65,000 किताबें हैं, वो 65,000 किताब हमारे सारे मौजूद की हैं, फ़िक की हैं, हदीस की हैं, रिजाल की हैं, बाकी मौजूद के ऊपर हैं, लेकिन रद्दी के नवान से ये जो है हमारे 1650 किताबें ये तो अब जो मुझे मिल पाई हैं जिनके नाम अभी तो अल्लाह माशाल्लाह पता नहीं कितने हज़ारों ऐसी जो हम हमारा मुताला तो बहुत नाकस है जी बिल्कुल। तो ये महदूद वसाइल हैं, बहुत सारी किताबों के नाम जी रोशन नहीं हुए, आगे नहीं आ पाए किताबें। तो ये 1650 किताबें कि जो उलमा शिया ने इस किताब के जवाब में लिखा, अब 1650 किताबों का तारुफ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर सदी में हर ज़माने में किसी ने किताब लिखी तो अच्छा। दूसरी बात है कि इसमें और बात कर लूँ कि बाद अफराद का ये शौक़ होता है, हमारी किताब लाजवाब है, शोशे छोड़ने का शौक जी, होता बिल्कुल, है बिल्कुल। हमारी किताब लाजवाब है। कोई मिसाल के तौर पर कहा कोई मर्द है तो इस किताब का जवाब देकर दिखाए, यूँ इस तरीके से एक पब्लिसिटी होती है। ये भी एक हमारे एक शख्सियत गुजरी है सैयद सज्जाद हुसैन बारहवीं के नाम से, ठीक, उनकी मुनादरी के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। उनके ज़माने में एक आलिम ने जो है आलिम अहले सुन्नत ने मछली शहर हिंदुस्तान के एक इलाका है उसके इलाके वाले ने एक किताब लिखी थी शियों के ख़िलाफ़, और हर जुम्मे के खुतबे में आगे ऐलान करता देखे मैंने किताब लिखी, कोई शिया इसका जवाब नहीं दे पा रहा। जी बिल्कुल। तो लोग आए आगे एजाज हसैन के पास, सजाद हसैन साहब के पास, क्या बोला ये तो बहुत तंग कर रहा है, हर जुम्मे के अंदर चीखता रहता है, तो आपका मौजू मुनादरा है इसको जान छोड़वाएं। तो सजाद साहब ने एक कागज़ उठाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहा कि आपके बुज़ुर्गों ने तीन किताबें लिखी, एक के नाम है तोहफ़ा इस नशरिया, दूसरी का नाम है मुंतहल कलाम, तीसरी का नाम है आयात बैनात। ठीक ठीक है। तोहफ़ा इस नशरिया के जवाब में हमारे उलमा ने ये फहरिस्त दी जो मैं भी पेश करूँगा, ये फहरिस्त दे दी कि जो हमारे उलमा ने किताबें लिखी। ठीक हो गया। मिनहाजुल मुंतहल कलाम के रद्द में हमारी उलमा की ये किताबें बिलखसूस मीर हामिद साहब रिज़वानुल्लाह ताला की किताब इस्तिक्साल उफ़हाम के जो इला माशाल्लाह खुद एक शाहकार है। आयात बैनात के रद्द में हमारे उलमा ने ये 10 किताबें लिखी। ठीक हो गया। आगा ने क्या लिखा, आगा ने लिखा कि बात सुने भाई, आप हर जुमे में शोर छोड़ते हो कि मेरी किताब का जवाब नहीं, मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ कि आप ये बताएं, बहुत बड़ा दावा था उनका सैयद सज्जाद साहब का, उन्होंने कहा आप ये बताएं कि वो कौन सा मसला है कि जो इन तीन किताबों में नहीं है कि जिनका जवाब हमारे उलमा ने नहीं दिए है और आपकी किताब के अंदर आए, आप एक एक मसला मुझे पेश करते चले जाएं जो जदीद हो, जो इन तीन किताबों में ना हो, आप एक एक मसला मुझसे पेश करते चले जाएँ, हर मसले के बदले में 2,500 इनाम लें मुझसे। उस ज़माने का 2,500 पत्नी कितनी की बात है ये। जी उस ज़माने में 2,500 रुपये इनाम मिल रहे हैं उनको, तो उन्होंने कहा मैं आपको इनाम दूंगा हर मसले के बदले में। बिल्कुल। अगर आप साबित नहीं कर सकते हमारे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि हर जो भी किताब लिखे पागल आदमी तो हम उसको कहेंगे जवाब लिखना। पुरानी किताबों में से चंद शुबहात को
वो एक बात साजी करके हमारे यही होता है फिर एक किताब लगा लोगे। आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है या हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जो हर तरह से एक मुफ्ती खड़े हो रहे हैं, हमने ये किताब लिखी, फला किताब लिखी, फला किताब लिखी, कुछ भी नहीं है। लिबास जदीद पहना देते हैं उन्हीं इतरादात को जिनके सैकड़ों मरतबा हमारे उलमा जवाब दे चुके हैं। जी बिल्कुल। एक ख़ास वजह कि हमारे उलमा जवाब का जवाब की तरफ मुतवज्जे नहीं है या नहीं दे रहे आजकल, उसकी ख़ास वजह ये कोई शुबह जदीद आ जाते फिर उलमा जवाब देते हैं। मसलन खुद अभी जो शदीद शुबहात के जवाब आ रहे हैं तो जदीद शुबहात उठते हैं तो जदीद किताबें भी इतनी आ जाती हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे उलमा ने जो किताबें लिखी हैं कुछ ख़ास मौजूदात को लेकर चले हैं, ख़ास किताबों को लेकर चले, उनमें से मौजू के अनुमान से मैं